ऑफ कोर्स ट्रॉफी तक बात पहुंचती तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती, बट मुझे सिर्फ मेरा ये मानना है कि एक हद होती है, हर एक चीज का एक दायरा होता है। मैंने उन चीजों के बारे में और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, चाहे वो कैदियों के बीच हो या उन लोगों तक हो या आपके जरिए। निशा, वेलकम टू आई जबरन अंबास। आपका एविक्शन काफी ही शॉकिंग है, बिकॉज़ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर फ्रॉम द लॉकअप। आपको कितना बड़ा धक्का लगा जब आपको पता चला कि आप इविक्ट हो रही हो? बिकॉज वी वर सो शॉक कंप्लीटली, सो हाउ यू रिएक्टेड? सो थैंक यू श्वेता, फर्स्टली फॉर कॉलिंग मी द स्ट्रॉन्गेस्ट। आई थिंक यही वो प्यार और रिस्पेक्ट है जो मैंने सबसे अर्न की है। एंड इट्स डिफरेंट जब मैं अंदर गई थी एंड द वे पीपल थॉट अबाउट मी कि पता नहीं ये क्या करेगी, बिकॉज यू नो पीपल हैव ऑलवेज सीन मी इन एड्स एंड स्टफ एंड नेवर रियली द रियल साइड ऑफ मी। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है अब सबसे मिलके और सबका फीडबैक लेकर दैट दे लाइक्ड मी इन द गेम। अक्सर हमने रियलिटी शोज में देखा है कि जो यू नो सही होते हैं या जो सच के लिए खड़े होते हैं और अपनी आवाज मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट एंड रेज देयर वॉइसेस फॉर द राइट इश्यूज ही जीतते हैं, बट दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ गेम। ये सीजन वन है तो हमारे पास रेफरेंस भी नहीं है कोई पिछले यू नो सीजन्स का कि एग्जैक्टली क्या है वो गुण जो यू नो एक विनर में होने चाहिए, बट मैं तो यही बोलूंगी कि आई वन हार्ट्स एंड दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं मेरा मुद्दा ही वो था कि यू नो कि मैं दिल जीतूँ चाहे मैं ट्रॉफी जीतूँ या नहीं जीतूँ। ऑफकोर्स ट्रॉफी तक बात पहुंचती तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती। अबाउट बींग शॉक्ड, आई वॉज नॉट वेरी शॉक्ड बिकॉज पांचवें हफ्ते में मुझे ऐसे लग रहा था और ऐसे एकाध बार कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ अब मेरा ही दिल खराब हो गया था। यू नो जो हिंसा के इंसिडेंट हुए थे या लोग इतनी जो गंदी बातें कर रहे थे, गंदी गालियां और पर्सनल हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि यू नो जैसे मेकर्स ने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया है टू प्रोटेक्ट द कंटेस्टेंट्स, ये सब क्लॉजेस डाले गए हैं कि हिंसा नहीं होगी एंड एवरीथिंग, बट जब कैदी ही वहां पर या कंटेस्टेंट्स ही इस हद को पार करके आगे निकल जाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो गेम वैसा रहा ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। सो मुझे इस बात की खुशी हुई कि यू नो जो भी मुद्दों पर मैं के लिए मैंने आवाज उठाई वो मुद्दे मुझे वो लगे थे कि वो सही हैं और उसके लिए मैंने बोला और आई कुड एक्सप्लेन माय सेल्फ बेटर एंड यू नो एनालाइज द सिचुएशन इन अ वे दैट पीपल अंडरस्टूड। सो या बट इट वाज अ फन एक्सपीरियंस डेफिनेटली। जैसे कि निशा आपने बोला कि हिंसा काफी ही बढ़ गई थी, नो पायल भी काफी अलग बर्ताव कर रही थी। पहले हमें लगा कि पायल और आप एक साथ खेलोगे तो काफी अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपके ही अगेंस्ट जा रही थी और आपके ही अगेंस्ट टाइमिंग एंड प्लॉटिंग करके भी नजर आ रही थी। इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? मैं क्या कह सकती हूँ, वहां पर तो रोज ही केमिस्ट्रीज चेंज होती थी लोगों के साथ और असली जिंदगी में मुझे तो आदत नहीं है ऐसे लोगों को के साथ यू नो को झेलने की, या जब मुझे लगता है कि कोई ऐसा होता है मैं उनसे दूर ही रहती हूँ। एंड यू नो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि लोग ऐसा करेंगे, शुरू में लगा था कि नो यू नो यू आर मेकिंग फ्रेंड्स या, बट अब आई थिंक सालों से हम रियलिटी शोज देखते आ रहे हैं, हमें पता है कि कभी आप दोस्त बनते हो कभी दुश्मन बनते हो एंड आई मीन इट इज जस्ट वॉट कैन आई से, आई कॉन्ट इवन से इट्स सैड बिकॉज इट इज देयर गेम, बट मुझे सिर्फ मेरा ये मानना है कि एक हद होती है, हर एक चीज का एक दायरा होता है और कई बार वो हद क्रॉस हुई है उस गेम में। मुझे शुरू में कहीं पायल ठीक लगती थी बिकॉज मुझे लगता था वो यू नो शी टॉक्स अबाउट व्हाटएवर शी फील्स लाइक, बट ग्रेजुअली मुझे समझ में आने लगा कि वो बहुत पर्सनल हो जाती है लोगों से, वो सिर्फ अपना ही फायदा देखती हैं इस हद तक कि वो मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी कनेक्ट करके उसका कोई भी मतलब निकाल के, और चाहे वो कोई भी मुद्दा हो उन्हें उसको कनेक्ट करना ही है, वेदर इट्स रिलीजन वेदर इट्स पर्सनल और एनीथिंग। देन आई वाज लाइक ओके दिस इज नॉट हैपनिंग एट ऑल। तो जैसे कि निशा हमने देखा कि आपने ये शो में 5 हफ्तों में एज शेमिंग को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर, किसी को रिस्पेक्ट देने की बात हो या कुछ भी हो, आप हमेशा स्ट्रांगली आती थी और सबके लिए लड़ती थी, भले ही सामने वाला आपको इन्वॉल्व करे ना करे, लेकिन आप खुद सबसे नो जाती थी और कहती भी थी। इस पे क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि जब ये सब बात आप करती थी तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आप दूसरे की हेल्प कर रही हो या दूसरे का सपोर्ट कर रही हो, उसके लिए भी आपको एक ना एक विलन चेक दे दिया गया था उस चीज को लेकर। मुझे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप के ऊपर कि मैंने इन मुद्दों पर बात की, क्योंकि बाहर भी मैं एक ऐसी ही इंसान हूँ, बट शायद हमें इतने मौके नहीं मिलते इन चीजों के बारे में बात करने के लिए जितने मुझे अंदर मिले
बिकॉज 12-13 कैदी इवेंचुअली 18 लोग जो आए गए मेरे जाने तक साथ में रहते थे, अलग अलग कल्चर्स से आए थे, अलग अलग उनकी अपब्रिंगिंग रही है, अलग अलग उनका एक्सपोजर रहा है, एजुकेशन सिस्टम रहा है, कई चीज़ हम अनजाने में भी कर देते थे, जैसे कि हम एक दूसरे को शेम करते हैं तो हमें इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि हम किसी का दिल तोड़ रहे हैं या ये गलत बात है करना। तो क्योंकि मैं उन चीज़ों के बारे में अवेयर थी, मैंने उन चीज़ों के बारे में और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की, चाहे वो कैदियों के बीच हो या उन लोगों तक हो या आपके जरिए यू नो कि जो ऑडियंस हमें देख रही है, चाहे वो एज शेमिंग हो जैसे कि आपने कहा, यू नो हम सीक्रेट्स को लेकर लोगों को शेम किया जा रहा था वहां पर, यू नो बहुत चीजें हो रही थी विच इज अनएक्सेप्टेबल, एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर सपोज्ड टू ब्रिंग एंटरटेनमेंट और वो लोगों को जोड़ती हैं, तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि एंटरटेनमेंट एक जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का साधन है और ना ही उसे अगेंस्ट टर्न करने में यूज करना चाहिए। सो I'm glad I could speak about gender neutral parenting or about the LGBTQ community. I spoke about it and I'm happy that I spoke about it and the message did go to the right people. Yes. So, जब आप घर लॉकअप से बाहर आई तो फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, कितना उन्होंने आपको प्यार दिया जब आप वापस आई घर? प्यार तो अभी पूरा मिलने के ही प्रोसेस में है, ये मेरे पहले कुछ इंटरव्यूज है जो आप लोगों के साथ हो रहे हैं, एंड यस फैमिली ने बहुत मिस किया था, फैमिली आप को पता ही है छोटी सी मेरी फैमिली है, मॉम है और मेरा बेटा है, एंड उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, उसे बाहर ले गई, उसके साथ यू नो जो जो भी उसे खाना था, जो भी उसे लेना था, वो सब पैम्परिंग हुई उसकी एक पूरे दिन, और अभी कुछ प्रोमिसेस की हैं कि मैं रोज छोड़ने आऊंगी, आपको स्कूल से लेने आऊंगी, आपको सुलाऊंगी, तो वो सब चीजें चल रही हैं, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल बिकॉज मैं अपने बेटे से इतनी दूर इतने दिनों तक कभी नहीं रही, तो वो जो हमारा मिलाप का मोमेंट था, इट वाज लाइक अ मिलियन यू नो बक मोमेंट, इट वाज ब्यूटीफुल, और इतना सारा प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। सो ही वाज इमोशनल और हैप्पी टू सी यू? ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही हैड हिज इमोशनल मोमेंट्स व्हेन आई वाज नॉट देयर, बट उसके बाद तो ही इज सो चर्पी एंड सो बबली, और मम्मी भी कह रही है कि इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मतलब इतने चलने में भी उसकी चाल भी बदली बदली सी है, जैसे वो बात कर रहा है वो भी बदला है, अब उसका नहाने का भी अंदाज बदल गया, कपड़े पहनने का भी बदल गया, सो ही इज वेरी हैप्पी। निशा, एनी चांस फॉर गोइंग बैक इन अ लॉकडाउन? Oh God, that must be like वो जमीन पर सोना, वो डंग डंग से उठना। G6 को बहुत मिस कर रही हूँ मैं हमेशा G6 को चिढ़ाती रहती हूँ। I'm sure G6 भी मुझे मिस कर रहा होगा। But I think अब उस गेम में कुछ ऐसे ही लोग रह गए हैं। I think वो गेम का अब एक अलग पड़ाव आ गया है। So I don't know. I mean it would be tough. If I have to go, I hope I just have to go for a day or two. I don't know. Yeah. It was not easy. I mean it's not that मैं कोई मुश्किल चीज से भाग रही हूँ, बट आई डोंट थिंक दैट ये मेरे लिए था, यू नो ना अपने आप को प्रूव करना था, जो मैसेजेस लोगों को देने थे, जिन कॉजेस के लिए बात करनी थी, आई थिंक वो मैं कर चुकी हूँ, और जो कुछ भी मेरे पास था इस गेम को देने के लिए वो मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि अब लोग वो मेरे साथ और भी कोई होना चाहिए, यू नो हु हैज टू बी इन सिंक विद मी और एट पार विद मी, बट लोग अभी बिल्कुल अलग तरीके से खेल रहे हैं जो मेरे एथिक्स के साथ नहीं जाता। सो तो निशा, हु इज द टू स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट जिन्हें आप विनिंग स्टेज पे देखना पसंद करोगे? नाउ दैट आई सी द गेम एंड आई लुक एट इट, एज मच एज आई हेट द वे दे हैव बीन प्लानिंग और यू नो स्ट्रेटजाइजिंग, बट आई थिंक मुनव्वर डेफिनेटली बिकॉज ही हैज व्हाट इट टेक्स आई थिंक, एंड और मैं किसको पसंद करूंगी, मैं शिवम मैं चाहूंगी, क्योंकि आई रियली लाइक शिवम, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, ही इज एन अमेजिंग बॉय, वेरी पॉजिटिव, एंड मैं चाहूंगी उसे देखना। आई थिंक मुनव्वर से भी ज्यादा मैं शिवम को देखना चाहूंगी, बट जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मुनव्वर ही स्टेज पर हो। या सो वन फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस, हु कीप लविंग यू, तो अभी भी आपको देखना काफी ही पसंद करते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने दिल में मुझे इतनी सारी जगह देने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड बस आई थिंक यू ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, बस एक दूसरे का हाथ हम थामे रहेंगे, एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेंगे एंड पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, वी टेक लाइफ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थैंक यू सो मच निशा फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।